हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आसुई? तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एग्ज़ाम के मौसम में एक और हमने नई टेस्ट सीरीज शुरू की थी, राजस्थान पुलिस और पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, जो इंडिया जी के साइंस पॉलिटी केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए अलग से टेस्ट सीरीज है। और इसकी भी हमने शुरुआत की थी, टेस्ट नंबर 2 है। तो फटाफट सारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह की रोज़ाना नई नई टेस्ट सीरीज हम ला सकें और उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को दे सकें। तो रोज़ाना अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान पुलिस और पटवारी के लिए राजस्थान जीके के 150 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बी पार्ट के 65 टेस्ट कर चुके हैं और कंप्यूटर के 16 टेस्ट हो गए हैं। तो वो भी देख लेना, उनकी पीडीएफ ले सकते हो। और जिस तरह से वो वीडियो आपने पसंद की थी, उसी प्रकार से इस नई सीरीज़ को भी पसंद करना, ताकि ये जो मिक्स क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ है वो हम कवर कर सकें। राइट, तो क्या करना है, सारे क्वेश्चन वीडियो देखना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और लास्ट में बताना है कि कितने क्वेश्चंस है वो आपने सही किए हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी से शुरू करते हैं कि राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। और ये राजस्थान पुलिस में 2 बार आ चुका है, एक बार पटवारी में भी आ चुका है, तो इजी कह दीजिए या फिर आया हुआ क्वेश्चन कह दीजिए। तो ये 3:2 में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर। दूसरा है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो कहाँ से लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो कहाँ से लिया गया है। सारनाथ में स्थित जो अशोक स्तंभ है वहाँ से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से। सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि डीवीडी की फुल फॉर्म बतानी है। डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है, किस किस को याद है, कौन कौन बताएगा। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है जी, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिए, आज 5 बजे एनकेडमी प्लस पर एक फ्री क्लास है, जिसमें क्या करेंगे, राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन का टेस्ट करेंगे। तो वीडियो की जो कम्युनिटी की पोस्ट है, ठीक है, चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट है उसे मैंने लिंक डाल दिया है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना, 5 बजे क्लास में आ जाना। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, संसार की सबसे लंबी नदी है वो नील नदी सबसे लंबी नदी है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किन्हें देगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति भी लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना देता है, सी आ जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अकबर का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है। अकबर का मकबरा बना हुआ है सिकंदरा में, कहाँ पर है, सिकंदरा में, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कि ग्रैंड ट्रैक सड़क की योजना है वो किस शासक के द्वारा बनाई गई थी। और ग्रैंड ट्रैक सड़क की योजना बनाई थी शेरशाह सूरी ने, बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी के कटोरे के नाम से जाना जाता है। तो यूपी को कहते हैं, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, बी आपका राइट आंसर। चलिए 10 नंबर है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है। और सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है, जो राजस्थान से होकर गुजरती है। इसका 80% हिस्सा जो है वो राजस्थान में ही है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 11 नंबर है कि दलाल स्ट्रीट जो है ये भारत में कहाँ पर स्थित है। दलाल स्ट्रीट है ये बम्बई में है। राइट आंसर आपका 1 नंबर। 12 है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है। छत्तीसगढ़ की राजधानी बतानी है, आसानी से बता दोगे, रायपुर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 है कि नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेले का आयोजन जो नासिक में होता है कौन सी नदी के किनारे पर होता है, गोदावरी नदी के किनारे पर होता है, डी आपका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि ज्वार सागर बांध जो है वो किस नदी पे बना हुआ है। ज्वार सागर बांध है वो कौन सी नदी पे है, और ये चंबल नदी पे है। चंबल नदी पे टोटल 4 बांध है, 3 राजस्थान में और 1 मध्य प्रदेश में, इसमें एक ज्वार सागर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है बम्बई बंदरगाह जो है ये सबसे बड़ा है इनमें, 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सिंधु नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। और ये मानसरोवर झील जो है वहाँ से इसका उद्गम होता है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 17 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी कौन नहीं रहे इनमें से। गोपाल कृष्ण गोखले जी रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस भी रहे हैं, बदरुद्दीन जी है, गंगाधर तिलक जी नहीं है, बाल गंगाधर तिलक है वो कभी भी नहीं बने। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
18 मई की गांधी जी के राजनीति गुरु का नाम बताना है। गांधी जी के राजनीति गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। डी आपका राइट आंसर है। 19 सदी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? और ये बदरुद्दीन तेब जी जो हैं ये पहले थे। बदरुद्दीन तेब जी 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 20 है कि राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं और उसमें टोटल जो है वो कितनी है? 24 है, यानी बी है राइट आंसर हो जाएगा। 21 है कि भारत के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जब 10 जोड़े गए थे, वर्तमान में 11 हो जाएंगे, ये 11 है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था ये। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 22 है कि भारतीय राष्ट्रपति अंगल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो लोकसभा में कितने सदस्यों को किया जाता है? तो अंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 1 नंबर है वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 2005 में, 12 अक्टूबर 2005 को। सी आपका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है? राग के टीले, ठीक है, ये किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? और ये दक्षिण भारत से संबंधित है। बी आपका राइट आंसर है। 25 आपका है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, उनका नाम बताना है। और योग दर्शन के प्रवर्तक रहे थे पतंजलि जो है ये रहे थे, यानी 1 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की भारत के लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? और भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। सी आपका राइट आंसर है। 27 है कि सन 1987 में 25वां राज्य किसको घोषित किया गया था? 25वां राज्य बना था गोवा को, बनाया गया था। किसको? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। बी आपका राइट आंसर। 28 की उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो है वो करने वाला राज्य कौन सा है? और उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है वो उड़ीसा में है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी है ये उत्तराखंड में स्थित है। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 30, कि रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य वह भारत के किस प्रदेश में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर है वो राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में, और शेरों के लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए। सी आपका राइट आंसर। 31 है कि छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा है वो तमारी पिंगला अभयारण्य है, ये सबसे बड़ा है। राइट आंसर आपका 1 नंबर। 32 की देश में राष्ट्रीय न्यायदर्श की स्थापना कब की गई थी? NSS की स्थापना हुई थी 1950 में की गई थी। बी आपका राइट आंसर। 33 की भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किसके द्वारा होती है? और ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो होता है इसके द्वारा, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। 34 है कि राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना जो है वो किस देश के सहयोग से की गई थी? और इसमें जर्मनी ने सहयोग किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिए। 35 है कि दलदली तथा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं, या फिर कह दीजिए कि किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मेघरावी वन पाए जाते हैं। 1 नंबर आपका राइट आंसर। वीडियो अब तक लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि रोजाना ऐसी टेस्ट करेंगे। और अगर आप राजस्थान पुलिस पटवारी हाईकोर्ट की तैयारी करना चाहते हैं, एक साथ एक ही पीस में सारे एग्जाम की फुल बेंच, यानी पूरा कोर्स, एक एक टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस, 3 से 4 बार रिवीजन, और साथ में कम से कम 1 लाख क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज के द्वारा आपकी प्रैक्टिस, जिसमें राजस्थान जीके के 10,000 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के 5,000 क्वेश्चन, इंडिया जीके के 5,000, और 50-50 फुल मॉडल पेपर करना। क्या रजिस्ट्रेशन करना है अनकेडमी पे, और जब भी रजिस्ट्रेशन करते हो तो रेफरल कोड यूज़ करना है प्रहलाद सारणी के नाम से, ताकि 10% ऑफ। कैसे करना है? जब भी आप अनकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे, कैटेगरी पूछेगा, RPSC पे ओके करना है और अपनी ID बना लेनी है। इन 3 लाइनों पे ओके करोगे तो यहाँ पर एक प्लस नाम दिखेगा, उस प्लस पे ओके करना है, और इस तरह का फिर पेज खुलेगा। तो कंटिन्यू करके 1 मंथ, 3 मंथ, 6 महीने, 12 महीने के लिए आप ओके कर सकते हो। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आपको रेफरल कोड देना है, बिना स्पेस दिए प्रहलाद सारण लिखे अप्लाई कर देना। इससे क्या हो जाएगा कि जितने भी फीस होगी उसमें 10% और आपको एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और फिर कंटिन्यू करके रजिस्ट्रेशन करने लगना है और क्लास में आ जाना है। वहाँ पर नए 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 कोर्सेज चल रहे हैं, और अभी 5 दिन के बाद में एक और नया कोर्स शुरू हो रहा है, पटवारी का फुल बेंच और राजस्थान पुलिस का बेंच, एक ही फीस में आपका, अलग अलग फीस नहीं लगेगी। हाई कोर्ट का भी बेंच स्टार्ट हो गया है,
टोटल 42 टीचर पढ़ाएंगे आपको, साथ में पीडीएफ मिलेगी, टेसीज मिलेगी, तो रजिस्ट्रेशन कर लेना। और कोई भी क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है मैंने, तो वहाँ से मुझे आप मैसेज कर सकते हो अगर कुछ भी पूछना है इसके बारे में। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।